24 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान सहित गोरखपुर में भी पंचायती राज दिवस का आयोजन कांग्रेसियों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उनके द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। आपको बताते चलें कि 24 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी के दिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से पंचायती राज दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में मुख्य रूप से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जमाल अहमद, महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहली सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही ग्राम स्तर पर मजबूत ग्रामीण विकास की व्यवस्था करना चाहती थी, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा बह सके। इस संबंध में उन्होंने बताया, आज हिंदुस्तान के हर गांव का चुनाव के माध्यम से सत्ता को गांव तक पहुंचाने के काम करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो सिर्फ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वरूप से, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था बुनियादी स्तर पे मजबूत होने हुई और जिस तरह से आज दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र देश के रूप में हिंदुस्तान को जाना जाता है, उसमें भी ये व्यवस्था एक मील का पत्थर के रूप में साबित है। तो लोग उससे बहुत इधर उधर भी भटक के जो एक राजनीतिक वो होता है उनके अंदर वो निकल जाता है। तो अगर इस सब्जेक्ट को हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी या जो मेन चीजें हैं, बुनियादी चीजें जिनको हमको जानना ही चाहिए, निश्चित तौर पे यदि हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और उसके उस चीज को जो कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए, देशवासियों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मजलूमों के लिए, समाज के निचले तबके के लिए करने का एक क्रांतिकारी काम किया है, उसको जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम चौराहों पर, होटलों में, मार्केटों में, बाजारों में दूसरों को बदला भी नहीं पाएंगे।